दिल्ली से सटे पलवल से मंगलवार को एक ऐसी खबर सामने आई जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। एक सिरफिरे ने अपनी सनक में एक महिला समेत 6 लोगों को लोहे की रॉड से मौत की घाट उतार दिया। आरोपी नरेश एक रिटायर्ड फौजी है और दिमागी रूप से बीमार बताया जा रहा है। नरेश मंगलवार देर रात अपने घर से लोहे की रॉड लेकर निकला और फिर रास्ते में जो आया उसे अपना शिकार बनाता चला गया। पुलिस ने सर्च किया तो सारी डेड बॉडियां 2-3 किलोमीटर के दायरे में मिली। तो हो सकता है इसने एक घंटे में सब कुछ कर लिया हो। उसके बाद प्रिकॉशनरी जितने यहां पे लोग थे बाहर रात को हमें जितने मिले पुलिस को सबको अंदर किया कि और इंसिडेंट ना हो। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों को नरेश ने अपना शिकार बनाया उसमें ज्यादातर लोग गार्ड या भिखारी थे। इसके अलावा नरेश ने एक अस्पताल में सोती हुई महिला अंजुम को भी रॉड से मार डाला जो अपनी रिश्तेदार के साथ अटेंडेंट के तौर पर वहां रुकी हुई थी। पुलिस ने सूचना और अस्पताल से मिली सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पलवल के ही आदर्श नगर में इस आरोपी को पकड़ लिया, जहां आरोपी की पुलिस के साथ हाथापाई हुई जिसमें वो घायल हो गया और फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। खबर है कि आरोपी की अपने परिवार के साथ भी नहीं बनती थी जिसकी वजह से वो लंबे वक्त से अपनी पत्नी और बच्चों से भी अलग रह रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पलवल से आरती पांडे के साथ यादव नवोदय।